आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फ्राई भिंडी मसाला, ज़बरदस्त फ्राई भिंडी मसाला, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सायमा खान होम किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्ती फ्राई भिंडी मसाला। तो अज़र नोट कर लें, मैंने ली हैं 1 किलो भिंडियाँ, तो मैंने वॉश करके रखी हुई हैं। 2 दरमियाने प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट लिए हैं। 2 दरमियाने टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1/2 पाव लिया है मैंने दही, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी, लहसुन अदरक हसब ज़रूरत। इसमें डलेंगे 2 हरी मिर्चें कटी हुई, और गार्निशिंग के लिए भी हरी मिर्चें चाहिए, हरा धनिया चाहिए, और 1 लेमन जूस और हसब ज़रूरत ऑयल। मैंने पैन में ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी भिंडियाँ। देखिए भिंडियाँ मैंने छोटी छोटी नहीं की हैं, सिर्फ ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा काटा है इसको। अगर छोटी है तो ऊपर नीचे से काट लें, वरना बीच में से हाफ कर लें। हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे इसका लेस भी ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इतना फ्राई करना है हमें भिंडियों को। देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ भिंडियों को। देखिए हमें ये लेस ख़त्म करना है, देखिए लेस दिख रहा है आपको, ये लेस ख़त्म करना है हमें भिंडियों में से। जैसे ही लेस ख़त्म होगा भिंडियाँ फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। देखिए हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। देखिए मैंने अभी इतना भून लिया है कि इसका देखिए लेस ख़त्म हो गया, सिर्फ ऑयल रह गया है। इतना मैंने इसको भुना है अभी। अब इसको फ्राई होने तक, यानी लाइट ब्राउन फ्राई कीजिएगा, डार्क नहीं कीजिएगा। अगर आप डार्क फ्राई करेंगे काली हो जाएंगी, तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और बनेंगी भी अच्छी नहीं। इसलिए हमें लाइट ब्राउन करके निकालनी है इसको। देखिए ये लाइट ब्राउन हो गई हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। निकाल रही हूँ फ्राई करके। देखिए मैंने भिंडियाँ निकाल ली हैं, अब इसमें मैं फ्राई करूँगी प्याज। प्याज को भी हमें लाइट ब्राउन करना है। देखिए हमारी प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, बस 2-3 मिनट में फ्राई हो जाएगी ये। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें सारे मसाले अपने। देखिए लहसुन अदरक भून गया है, अब इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। पहले मैं डालूँगी हल्दी, नमक, कुटी हुई मिर्च। फिर इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें शामिल करूँगी टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा ना मसाला जले और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। मेरी दादी बहुत मज़े का भिंडी मसाला बनाती थी, ये डिश मैंने उनसे सीखी थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ मैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही, ज़ीरा, और हरी मिर्चें। चलिए देखिए हमारा मसाला भुन रहा है। देखिए हमारे सारा मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं। फिर इसमें शामिल करूँगी भिंडियाँ। अब मैं मसाले के साथ भी इसको फ्राई कर लूँगी, तैयार हो जाती है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 लेमन जूस, 1/2 अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। हमारी फ्राई भिंडी मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कैसी बनी है हमारी फ्राई भिंडी। देखिए मैंने डिश आउट कर दी है फ्राई भिंडी मसाला। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।